दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों को और उन बहनों के लिए है जिनको पुराने से पुराना दाद खाज खुजली हो गई है, या उनको अचानक ही जैसे कि लाल लाल से घाव बन जाते हैं और वो गोल घेरा बना लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस तरह के अगर आपको हो गया है या बहुत पुराने हैं, तो इस वीडियो में एक ऐसा रामबाण इलाज, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आप फ्री में तैयार कर सकते हो, अपने घर पे तैयार कर सकते हो और बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। बस आपको ये नुस्खा एक बनाने की, इसकी नुस्खे की विधि समझनी है और इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको अच्छे से समझना है। अगर आप पुराने से पुराना दाद से जूझ रहे हैं, या आपको किसी चीज का घाव हो गया है, या आपको खुजली होती है, तो उस चीज के लिए ये एक रामबाण एक ऐसा इलाज है जो आपने ना तो किसी से सुना होगा ना आपने अभी तक इसको देखा होगा। ये बहुत अच्छा और कारगर आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपने अपने पैसे बर्बाद कर लिए हैं तो आप आ जाइए फ्री की ओर। तो आपको स्क्रीन पे जो पौधा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बरचीटा। ये बरचीटा एक इतना अच्छा पौधा है, अगर आपको इसके यूज करने के तरीके पता चल जाए तो आप अपने शरीर में होने वाली अन्य तरह की प्रॉब्लम, बहुत सी बीमारियों का आप इससे खात्मा कर सकते हो, इससे छुटकारा पा सकते हो। तो आज इस पौधे की एक ऐसी विधि, एक ऐसा नुस्खा बनाने का बताऊंगा जिससे आप अपनी दाद काज खुजली में बिल्कुल तुरंत और आसानी से आराम पा सकते हो, जड़ से खत्म कर सकते हो, कितना भी पुराना हो चाहे कैसा भी हो। तो आपको करना क्या है, आपको जंगल से दो तीन पौधे उखाड़ कर ले आने हैं और इसकी जो जड़ होती है उन जड़ों को आपको सुखा लेना है। सुखाने के बाद इनकी जड़ों को अच्छी तरीके से पीस लेना, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों आपको इसका जो तिल का तेल होता है दोस्तों, तिल के 100 ग्राम तिल के तेल में 3 चम्मच पाउडर को अच्छे से डालकर पकाए। पकाने के बाद आपको उसको छान लेना है। छानने के बाद दोस्तों जो आपके पास तेल बचेगा उस तेल को अपने दाद खाज खुजली कटे हुए कैसे भी घावों पर आप इसको लगा सकते हो, जड़ से खत्म कर देगा और बहुत अच्छा ये आपको फायदा देगा। तो आपको इसका यूज करने का तरीका और इस नुस्खे को बनाने की विधि आपने पता कर ही ली होगी, तो आप इसको जरूर आजमाएं और आगे शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।